गाइस हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इंडिया बुक का। उसमें चैप्टर 2 एंड चैप्टर 5 जो है वो कंबाइंड है। अभी हम चैप्टर 5 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967 में। तो हमने पढ़ा कि 1964 में नेहरू जी की डेथ हो जाती है, ठीक है। 1964 में उनकी डेथ के बाद 1966 तक शास्त्री जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। उसके बाद 1966 के बाद इंदिरा गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं, और तब इलेक्शंस भी होने होते हैं 1967 में। तो फरवरी 1967 में फोर्थ जनरल इलेक्शंस जो हैं वो होते हैं। एंड अभी फोर्थ जनरल इलेक्शंस में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो थी इंडिया फेस कर रहा था, क्या हालात थे पूरी कंट्री के। तो देखो, सबसे पहले दो प्राइम मिनिस्टर्स की जल्दी जल्दी से डेथ हो गई, ठीक है। 2 सालों में ही 2 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए। जो अभी न्यू प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है, इंदिरा गांधी जो थी वो एक पॉलिटिकल नोवाइस थी, मतलब एक पॉलिटिकली जो अनजान होता है वो थी, मतलब जिनको ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी नहीं थी, ठीक है। ये चैलेंज था ऑब्वियसली इंडिया के लिए कि कैसे एक प्राइम मिनिस्टर जो है फटाफट से चेंज होकर अभी कोई नया प्राइम मिनिस्टर आया जिसको ज़्यादा पता नहीं है। देन फेल्ड मानसून थे, हमें पढ़ा फूड क्राइसिस चल रहा था शास्त्री जी के टाइम पे भी, ड्रॉट्स थे, फूड क्राइसिस थे, ड्रॉप इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत कम हो गई थी, राइज इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत कम थे, ठीक है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर बार बार, 2 वॉर्स हो गई थी पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, तो मिलिट्री का एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया था। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, सबसे पहले उसने स्टेप लिए डीवैल्यूएट द इंडियन रुपी। डीवैल्यूएट मतलब हमारी इंडियन रुपीज़ की प्राइस को कम कर दिया इन द फॉरेन मार्केट। तो अगर पहले 5 रुपीज़ जो है वो $1 के बराबर थे, 5 रुपीज़ $1 के बराबर थे, तो अब क्या होगा, हमने इसकी वैल्यू कम कर देनी है। मतलब अब $1 में हम ₹7 का सामान खरीद सकते हैं। तो अभी हमें एक प्रॉब्लम्स हुई और उनको तो उतना ही सस्ता पड़ा, $1 में पहले 5 खरीद रहे थे, अब $1 में वो ₹7 का सामान खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने डीवैल्यूएट किया, जिससे कि हमारा जो है लोग हमसे ज़्यादा सामान खरीदें, क्योंकि उनके लिए तो सस्ता हो गया, हमारे से ज़्यादा सामान खरीदेंगे, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, पैसा आएगा बाहर से। तो उन्होंने पहला स्टेप ये लिया, ठीक है। प्राइस राइजेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, महंगाई हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी, ठीक है। बंद जन हड़ताल जो है वो पूरे कंट्री में हो रहे थे, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हमें फेस करनी पड़ रही हैं। और गवर्नमेंट क्या देखती थी, इसको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करती थी। वो ऐसे नहीं देखते थे कि लोगों के पास ये पावर है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बल्कि वो ऐसा देखते थे कि ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम चल रही है। और इस टाइम पर हिंदू मुस्लिम राइट्स भी थे, मतलब हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगे फसाद भी चल रहे थे। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन कांग्रेसिज्म। अभी 19 जब से हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 के बाद, कांग्रेस की जो है पार्टी जो है बार बार रूल कर रही थी, ठीक है। पहले इंटरिम गवर्नमेंट थी जवाहरलाल नेहरू के अंडर, फिर उसके बाद 52 में इलेक्शंस जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी आई, 1966 तक कांग्रेस ही चलती जा रही थी। तो इतना टाइम कांग्रेस जो है वो रूल कर रही थी इंडिया के ऊपर। तो अब क्या था, अब नॉन कांग्रेसिज्म जो है पॉपुलर हो रहा था कि अब कांग्रेस नहीं आएगी पार्टी पावर में। तो क्या था, ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो प्रोटेस्ट करने लगी, प्रेशराइज करने लगी गवर्नमेंट को कि अब हम आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंदिरा गांधी को हटा के कोई और लीडर आएगा। क्यों, जैसे हमने पढ़ा कि कांग्रेस में बहुत ज़्यादा फैक्शंस जो है वो इंक्लूडेड थे, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज कांग्रेस में ऑलरेडी इंक्लूडेड थी, और जो बाकी के ऑपोजिशन पार्टीज थी उनको बहुत कम वोट्स मिलती थी, एक एक दो दो सीट्स मिलती थी, जिससे कि बहुत ज़्यादा वास्ट नंबर ऑफ वोट्स कांग्रेस को चली जाती थी। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर एक एक ऑपोजिशन पार्टीज में वोट डिवाइड हो रही हैं, दो दो तीन तीन वोट्स जा रही हैं, सीट्स मिल रही हैं, तो हम इकट्ठे हो जाते हैं, हम डिवीज़न नहीं करेंगे हमारी वोट्स की, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम डिवीज़न नहीं करेंगे अपनी वोट्स की, इकट्ठे हो जाते हैं, पार्टीज केम टुगेदर टू फॉर्म एंटी कांग्रेस फ्रंट्स, मतलब एंटी कांग्रेस, कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए वो सब इकट्ठे हुए। उन्होंने बोला कि देयर इज़ इनएक्सपीरियंस है, इंदिरा गांधी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है कैसे कंट्री को चलाना है, इंटरनल फैक्शनलिज्म, ठीक है, उनसे कांग्रेस को टॉपल डाउन कर देगी। जो बोलते थे फैक्शनलिज्म जो कांग्रेस की एक स्ट्रेंथ है वही कांग्रेस को हरा देगी, ठीक है। लोग ऑपोजिशन पार्टीज ये बोलने लगी कि कांग्रेस को इंटरनल फैक्शनलिज्म ही हरा देगी। उन्होंने बोला कि जो कांग्रेस का रूल है वो अनडेमोक्रेटिक है, मतलब डेमोक्रेटिक के अंडरटेक होके ही रूल नहीं हो रहा है, अनडेमोक्रेटिक तरीके से वो गवर्नमेंट बार बार चलाई जा रहे हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है नॉन कांग्रेसिज्म को, कि कैसी ऑपोजिशन पार्टीज चाहती थी कि अभी कांग्रेस हट जाए, कांग्रेस अनडेमोक्रेटिक है और हम सब मिलके, पार्टीज मिलके एक गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करेंगे। और ये कंसेप्ट दिया किसने था, राम मनोहर लोहिया ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था नॉन कांग्रेसिज्म को। और वो कौन थे, वो एक सोशलिस्ट लीडर थे सोशलिस्ट पार्टी से, ठीक है, राम मनोहर लोहिया। अब क्या हुआ, इलेक्शंस के क्या आउटकम्स हुए 1967 में, जब इलेक्शंस हुए तो क्या क्या रिजल्ट्स उसके आए। पहले तो 1967 के इलेक्शंस को क्या बोला जाता है, पॉलिटिकल अर्थक्वेक बोला जाता है, कि पॉलिटिक्स में एक अर्थक्वेक आ गया, एक भूचाल आ गया। कैसे,
अभी कांग्रेस ने सबसे ज्यादा कम सीट्स जीती थी एज कम्पेयर टू एनी ऑफ द इलेक्शंस विच वर हेल्ड सिंस इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंस के बाद सबसे कम वोट, सबसे कम सीट्स अभी 1967 इलेक्शंस में कांग्रेस ने जीती। ठीक है, 1952 में इतनी ज़्यादा सीट्स जीती, फिर नेहरू जी के टाइम पे भी, ठीक है, उन्होंने बहुत सीट्स जीती, लेकिन अब बहुत कम सीट्स वो जीत पा रहे थे। जो पॉलिटिकल स्टालवर्ट्स थे, स्टालवर्ट्स मतलब जो लॉयल और बहुत सीनियर लीडर्स होते हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस जो होते हैं, वो हार गए थे। अभी कांग्रेस के जो हमने पढ़ा सीनियर मोस्ट लीडर्स थे, जैसे के कामराज थे, अतुल्य घोष थे, ठीक है, एस के पाटिल महाराष्ट्र से, या के बी सहाय थे बिहार से, वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब जहाँ जहाँ से वो खड़के इलेक्शंस लड़ रहे थे, वहाँ वहाँ से वो हार गए, जिससे कि एक कांग्रेस को झटका लगा कि हमारे इतने पॉपुलर लीडर्स हार चुके हैं अभी इलेक्शंस में, और हमारी वोट्स, हमारी सीट्स जो है बहुत कम रह गई है। जब पॉलिटिकल अर्थक्वेक इन्होंने इसको एक्सप्रेस किया, और उसके बाद जब पॉलिटिकल स्टालवर्ट्स उनके हार गए, उसके बाद उनको एक और झटका मिला जब उनके स्टेट्स में भी, 9 स्टेटों में उनकी जो है हार हो जाती है, द लॉस्ट इन 9 स्टेट। ठीक है, इनमें से जो 3 स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स में इन्फेक्शन की वजह से वो हार जाते हैं, बाकी की 6 स्टेट्स में वो डायरेक्टली हार जाते हैं, उनको मेजोरिटी नहीं मिलती है। तो कौन कौन सी 9 स्टेट्स थी, वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला, इन 9 स्टेट्स में कांग्रेस हार जाती है। अभी इसमें थोड़ा मद्रास स्टेट का दिया हुआ है, जो कि अब की तमिलनाडु स्टेट है, ठीक है, पहले मद्रास बोलते थे उसको। वहाँ पे एक पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा पावर में आ गई, रीजनल पार्टी, मतलब वहाँ की जो छोटी छोटी पार्टीज होती हैं उनमें से एक, जैसे इसका नाम था द्रविड़ मुनेत्रा कछागम, ये इसका शॉर्ट फॉर्म क्या थी, DMK। ये जो है तमिलनाडु में पावर में आ जाती है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एंटी हिंदी एग्रीटेशंस चलाए थे, मतलब हमें हिंदी को नहीं ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना, दे डोंट वांट द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। इन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए स्टूडेंट के साथ मिलकर कि हमारे ऊपर हिंदी नहीं थोपो, हम तमिलनाडु में हिंदी नहीं चाहते हैं। तो इन्होंने, ये मेनली इनका काम था। और ये स्पेशल क्यों जाती है, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस पार्टी हैड गॉट अ क्लियर मेजोरिटी। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ इलेक्शंस के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, कि एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिल रही है, मतलब कोलिशन नहीं बनी, क्लियरली उनको मेजोरिटी वोट्स मिली हैं, और जिनसे कि वो पावर में आई है। बाकी के स्टेट्स में भी कोई और पार्टी आई है कांग्रेस के अलावा, लेकिन उनकी कोलिशंस बनी, जबकि इसकी क्लियर मेजोरिटी बनी। ठीक है, DMK, द्रविड़ मुनेत्रा कछागम। उसके बाद क्या हुआ, कोलिशन की फॉर्मेशन अभी शुरू हो गई थी, जो स्टेट्स में कांग्रेस हारी थी वहाँ पे कोलिशन बननी शुरू हो गई थी, 2 से ज़्यादा पार्टीज मिलके पावर में आने लगी। ठीक है, तो क्या हुआ, नॉन कांग्रेस पार्टीज जो हैं फॉर्म होने लगी, जिनका नाम रख दिया गया संयुक्त विधायक दल। ठीक है, हिंदी में इनका नाम रख दिया संयुक्त विधायक दल, ये इनका एक जर्नल नाम था, ऐसा नहीं था कि ये कौन सी पार्टी है, नहीं, इनका जर्नल नाम रख दिया गया कोलिशन का, संयुक्त विधायक दल, SVD गवर्नमेंट। ठीक है, और ये इतनी ज़्यादा देखने में मतलब फनी से लगता था कि हर पार्टी ने, जिनके आइडियोलॉजीज मिलती भी नहीं थी, उन्होंने मिलकर अपनी कोलिशन बना रखी थी जस्ट कि उनको पावर मिल जाए। ठीक है, जैसे कि बहुत अजीब केसेस हैं, जैसे बिहार में 2 सोशलिस्ट पार्टी जो उनकी स्प्लिट्स हो चुकी थी, जैसे कि PSP, SSP, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जो स्प्लिट्स थी सोशलिस्ट पार्टी की, वो आपस में जुड़ गई, जबकि इनकी आइडियोलॉजीज भी डिफरेंट हो गई थी। ठीक है, लेफ्ट में कौन सी पार्टी थी, CPI, राइट में कौन सी पार्टी थी, कैपिटलिस्ट में जो बिलीव करते थे वो थे भारतीय जनसंघ, मतलब जो आइडियोलॉजीज भी डिफरेंट है वो आके मिलके कोलिशंस बन रही थी। पंजाब में भी एक बहुत अजीब केस था, जैसे कि जो पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, इसको बोला गया इसकी पूरी की, ठीक है, कोलिशंस को, पूरे के कोलिशंस को नाम रखा पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, और इसमें कौन कौन सी पार्टी थी, 2 अकाली पार्टीज थी, कौन सी, संत ग्रुप एंड मास्टर ग्रुप। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ही आ गई, अभी CPI भी, CPI-MB, इन्होंने कोलिशंस बना रखी थी, और कौन सी थी, SSP, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी, रिपब्लिकन पार्टी थी एंड भारतीय जनसंघ, मतलब ये सब मिलके एक कोलिशंस बना रहे थे जिनकी आइडियोलॉजीज भी डिफरेंट थी। ठीक है, इसके बाद लास्ट आउटकम क्या था, अभी डिफेक्शन की वजह से कांग्रेस की 3 स्टेट्स में हार हो जाती है। अभी डिफेक्शन का मतलब क्या है, डिफेक्शन मतलब कि जो भी कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी इलेक्शन जीत चुका है, वो अपनी पार्टी लीव कर देता है, जिससे कि वो जीता और कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेता है। सपोज एक लीडर है एक पार्टी, जिससे कि वो, मान लो BJP से वो जीता, ठीक है, मैंने BJP का फ्लावर बनाया, इससे वो जीत गया, उसने नाम रखा, उसने अपना सिंबल कौन सा बनाया था, कमल का, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन अब क्या किया, जब वो जीत गया, अब वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या जो भी है लोकसभा का मेंबर बना, ठीक है, अब उसने अपनी पार्टी जो है चेंज कर ली, अब वो कहाँ पर चला गया, अब वो कांग्रेस में चला गया, मान लो, ठीक है, ये मैंने हाथ से बनाया, ठीक है, वो कांग्रेस में चला गया, तो अब उसने पार्टी चेंज कर ली,
जीतने के बाद, इसको बोलते हैं डिफेक्शन, ठीक है, जीतने के बाद हम अपनी पार्टी चेंज कर लेंगे। तो 3 स्टेट्स में ऐसा हुआ जहाँ पे डिफेक्शन की वजह से कांग्रेस जो है हार जाती है, मतलब कांग्रेस के नाम पे जीतने पे वो बाद में अपनी पार्टी चेंज कर लेते थे। ठीक है, कौन सी स्टेट्स थी? हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे एक बहुत एक्सप्रेशन जो है बहुत फेमस हुआ, एक एक्सप्रेशन जिसका नाम था आया राम गया राम। अभी एक स्टोरी है किसके बारे में, गया लाल के बारे में, जो कि हरियाणा के एक MLA थे, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उनकी वजह से ये जो एक्सप्रेशन है वो फेमस हुआ, मतलब आया राम कभी किसी पार्टी में आ गया और कभी किसी पार्टी में चला गया। तो इसको किसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया, प्रैक्टिस ऑफ डिफेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो गया लाल ने क्या किया, जो कि MLA थे हरियाणा के, उन्होंने 1967 में 3 पार्टीज जो है वो चेंज की विद इन अ फॉर्टनाइट, मतलब 14 दिनों में उन्होंने 3 पार्टीज चेंज करी। पहले कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर यूनाइटेड फ्रंट में वापस आए, ठीक है, यूनाइटेड फ्रंट में आने से कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में, ये विद इन 14 फॉर्टनाइट में हुआ, 14 डेज में, जिससे कि ये बहुत फेमस हो गए, जिससे एक्सप्रेशन शुरू हो गया आया राम गया राम, ये डिफेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इससे हमारा ये 1967 इलेक्शंस पूरे कंप्लीट हो गए। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आगे हम बढ़ेंगे स्प्लिट इन द कांग्रेस। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।